छत्तीसगढ़ में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस अफसर चोर से सवाल जवाब कर रहे हैं। वहीं चोर अपने ही अंदाज में अनोखे जवाब दे रहा है। जवाब ऐसा कि उसे सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी हंस पड़े। दरअसल यह वीडियो दुर्ग पुलिस का है, जिसमें दुर्ग SP अभिषेक पल्लव चोर से पूछते नजर आ रहे हैं कि उसे चोरी करके कैसा लगा। अब चोर का जवाब भी सुनिए। चोर ने जवाब दिया कि चोरी करके पहले तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में पछतावा भी हुआ। जब फिर से एसपी ने पूछा कि पछतावा क्यों हो रहा है, तो उसने बोला गलत काम करने का पछतावा है। इसके बाद एसपी ने पूछा चोरी में कितना मिला और उसका क्या किया, तो चोर ने कहा 10,000 मिले और वो सब गरीबों में बांट दिया। गाय कुत्ता और जिसको ठंड लगती है उनको बांटा है और जरूरतमंदों को कंबल बांटा है, जिसे सुनकर सब हंसने लगे। मालूम हो कि कुछ दिन पहले सुपेला, वैशाली नगर और स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में चोरी करने वाले 5 बदमाशों और चोरी के जेवर के खरीदार व खपाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने एक दुकान और 3 सुने मकानों में चोरी की थी। आरोपितों ने एक अपचारी बालक भी शामिल था। CCTV फुटेज से आरोपितों का सुराग मिला, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपितों के पास से कुल 8,00,000 रुपए का सामान जब्त किया गया था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चोरी की धारा के तहत कार्यवाही की थी। पकड़े गए बदमाशों में इंदिरा नगर शीतला मंदिर के पास सुपेला निवासी साहिल खान उर्फ गब्बर, महेश यादव नहरपारा रावणभाटा सुपेला निवासी गुलाम खान, शीतला मंदिर के पास सुपेला निवासी सोनू उर्फ तुकेश्वर उर्फ डोकरा और एक अपचारी शामिल है। इस मामले की जानकारी देते हुए SP अभिषेक पल्लव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों ने 5 महीने में 4 स्थानों पर चोरियां की थी। 5 आरोपितों ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्होंने बुटीक में चोरी की थी। इसके अलावा आरोपितों ने 3 अन्य घरों में भी चोरी करने की बात स्वीकार की है। आरोपितों ने पुलिस को बताया कि चोरी के पहले वे लोग सुने घरों की रेखी करते थे और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपितों ने चोरी के जेवर को बाजार अतरिया खैरागढ़ निवासी धर्मेंद्र वर्मा के माध्यम से साले खुर्द धमधा निवासी गेंदराम जंघेल से बेच दिया था। गेंदलाल जंघेल ने उक्त जेवर को सोना गलाई करने वाले सोनार पारा खैरागढ़ निवासी सोनार मानस जेना से बेच दिया था। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के जेवर को बरामद किया। साथ ही चोरी के माल को बिकवाने वाले और खरीदने वाले सोनार को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपितों के पास से चोरी के जेवर के अलावा एक LED TV, बुटीक से चोरी की गई साड़ियां, कैंची और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम खान। गुलाम खान, सब हिंदू मुस्लिम एकता है, सब एक लाइन में कोई नहीं है। तो आप सब पे चोरी के पेशे में झगड़ा था, बोले भाई का हाँ मैं साथ में चल गया सर, साथ में चल रही है। जो वापसी जब आया ना मैं आगे निकल गया, घर के कूद के कर लिया। तुम सब दरिया काम कर लिया, चल गया। अभी लोगों देखते 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 कुछ कैसे होता है, चेक लेता हूँ। चल गया तुम, कैसा लगा चोरी करने में? चोरी करने पर अच्छा लग रहा है, बाहर निकल गलत काम करा। मेरा कितना तुमको चोरी का बाल? 10,000। क्या किए 10,000 का? झेलूंगा, छूटने के बाद काम धंधा करूंगा। कौन सा काम करते हो तुम? मैं ललित यहाँ जाता था। तुम्हें काम करते हो ला का नाम लेके बोलो, बोलना होता है पीना पीना कहाँ पे आता है? ललित काम है, क्या काम है?